फ्रेंड जय श्री कृष्ण, राम राम सीताराम सबको। तो आज मैं आया हुआ हूँ सिटी में, जो हमारा गाड़ी का शेड बनाना है, तो उसके लिए सारा आइटम लेने के लिए आया हुआ हूँ मैं। तो अभी लोखंड भी, पाइप भी ले लिया हमने, और जो फाइबर शीट है वो भी ले लिया, उसके नट बोल्ट भी ले लिए मैंने। ऐसे करके तकरीबन सारा सामान मैं ले चुका हूँ, और एक पिकअप गाड़ी है उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा सामान लोड कर दिया है। तो पिकअप गाड़ी तो चल दिया घर के लिए, और मेरे साथ मामा भी आए हुए थे, तो अभी उनको लेने जा रहा हूँ। अभी उनका भी ऑफिस में कुछ काम था अभी, तो अभी मैं उनको लेने जा रहा हूँ, फिर चलेंगे उसी गाड़ी के पीछे पीछे। ऐसे तो सारा आइटम फिक्स कर दिया है मैंने, कुछ होने वाला नहीं है। तो आज काफ़ी कुछ आइटम लिया है, और घर के लिए एक सोफ़ा सेट लिया है खास। तो बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हमारे घर में भी सोफ़ा सेट हो, तो लेना था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती थी बीच बीच में कि हम नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली ये सारा सामान आज लेना था, तो रेखा ने बोला कि ये भी लेके आना, तो एक सोफ़ा सेट भी हमने लिया है साथ साथ में। तो अभी सारी आइटमें मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ क्या क्या लेके आया हूँ। तो मैं और मामा दोनों आए हुए थे, तो अभी सारा आइटम हमने कलेक्ट कर लिया है। अभी वापस चलते हैं घर की ओर, अभी उनको लेके चलेंगे। और रेखा अकेली घर पे है आज, मैं भी अकेला ही आया था, मामा और हम दोनों आए थे। ऐसे तो रेखा आती तो ठीक रहता, क्योंकि सोफ़ा वगैरह चॉइस करने में अच्छा रहता, लेकिन वीडियो कॉल से कर लिया है सारा कुछ सेटिंग। अभी देखते हैं जाके कैसा लगता है सोफ़ा, और बाकी सारा आइटम मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा देखो ये सोफ़ा घर आ चुका है। तो अभी आते आते हमें भी अंधेरा हो गया था पूरा सामान निकालते निकालते, तो अभी ये रात में सोफ़ा हम लोग बाहर से अंदर लेके आए हैं। तो ये है हमारा सोफ़ा जो आज मैं अकेला लेके आया हूँ। देखा होती तो ठीक था, इसको पसंद आया नहीं आया पता नहीं, बगा खाए हैं हूँ पसंद करती करती। तो अभी थोड़ा रास्ते में आते टाइम थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लग गया था, तो अभी साफ़ सफाई कर रही है। यहाँ पर इसका जो मशीन था सिलाई करने वाला, वो ये यहाँ पर आ गया बेचारा ये। तो ये सोफ़ा लाने का काफ़ी दिनों से हमारा प्लान चल रहा था, लेकिन मुहूर्त ठीक से आ नहीं रहा था सोफ़ा का। तो अभी देखो अब तो माटी चढ़ी गई है। तो अभी ये सोफ़ा हमने यहाँ पर सेट कर दिया है एकदम। हमारा जो हॉल है, ये जो हमारा हॉल है, ये इतना ही ये सोफ़ा बिल्कुल एकदम सेटिंग परफेक्ट आया है। यहाँ से हमारा दरवाज़ा है, और यहीं पे ये सोफ़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखो, तो अभी इसके सोफ़ा के कवर भी लेके आया हूँ मैं, वो भी अभी लगाने हैं। तो ये है इसके कवर, सोफ़ा कवर, ये मैं वहीं से ख़रीद के लाया, एक हैंडलूम था वहाँ पर, वहीं से इसको भी लेके आ गया। तो अभी इसको लगाएंगे हम लोग एक एक करके। लगाओ ना मोड़ो, ए उबता हैंड एम नेम थोड़ू हुआ नहीं। तो अभी ये देखो, नीचे वाली साइड प्लेन होके नीचे वाला में रख जो, ओके हाँ। तो देखो अभी जयमिन भी हेल्प कर रहा है साथ साथ में। तो अभी इसके कवर भी लगा देते हैं, इसको नींद आ गई आज, पूरा दिन घर में अकेले रह के काम किया है बहुत ज़्यादा। अगर हाँ पिलानू है। तो अभी ये दोनों देखो मिलके कैसे लगा रहे हैं। तो ये सोफ़ा की हमें ऐसे भी ज़रूरत थी। इम क्या आवे जू, इम उबू आवे एम ने हाओ। ये देखो अनपढ़ गवार, आखिरी जिंदगी में क्या सोचू है कि पण, पर क्या सोचू दे आपने तो कोई तरह।
જોવા વાળા કઈક કમેન્ટ કરે, બેન જિંદગીમાં પહેલી વાર સોફો જોયું. તો દેખો અભી સારે કવર લગા રહી હે, યે હેન્ડ વાળા કવર ઉલ્ટા લગા રહી થી. તો દેખો અભી ફટાફટ ફટાફટ દોનો કે દોનો લગે હુએ હે કવર લગાને મેં. ये इसके ऊपर तो जमीन पड़ा रहेगा, फिर नख हूँ फाटी नहीं जाए हो कपड़ों पास हो ते दर्जी वो है. और मेरी गाड़ी का शेड भी आज तो लेके आया हूँ मैं, सारी एंगल टिन शीट सारा कुछ लेके आया हूँ, लेकिन अभी अंधेरा हो गया इसलिए बाहर तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कल दिखाऊंगा मैं आपको. तो अभी पता नहीं वो वेल्डिंग करने वाले को भी मैंने बोला था कि कल आके शेड लगा के जाना आप लोग, लेकिन अभी वो देखते हैं कितने दिन में आते हैं. तो कल नहीं तो परसों तो शेड हमारा तैयार हो ही जाएगा. ऐसे भी आज पूरा दिन मेरे को लग गया, हर जगह घूम घूम के लेके आए आइटम. ऐसे आज ये सोफ़ा लाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ मेरा शेड लाना था. तो ये रेखा बोल रही थी कि बोला 5 एंगल के लिए पूरा आप क्या बोलते गाड़ी किराए पे करोगे, इससे अच्छा हाँ बोला आप ये सोफ़ा भी लेके आओ ताकि किराया भी हमें महंगा ना पड़े करके. तो सोफ़ा सेट का प्रोग्राम इसका था, तो किराए से ज़्यादा मेरे को सोफ़ा महंगा पड़ गया. तो ये अभी फ़िलहाल तो इन लोग कवर लगा रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये कवर सिलाई करना पड़ेगा हम लोगों को. नहीं रेखा दीवाल नहीं है तो ना ना दीवाल नहीं, ये में पण नहीं रहजो, दीवाल नहीं सपोर्ट में रहे दीवाल, ये में पण आपड़े वोहे ही बिना कन ते मस्त થઈ જાયજો. तो अभी ये पीछे वाला कवर है, इसके पीछे यहां तक कपड़ा सिलाई कर देंगे तो ये ऊपर से ऐसे घुस जाएगा अंदर की ओर. तो देखो जमीन के बड़े बड़े नाखून है, इसके कट गया है क्या. तो देखो ये अभी हमारा सोफा कवर कुवर लग के रेडी हो गया, ये अभी पूरा. एक्चुअली मैं लेने गया था ये बीच में, और दोनों साइड में एक एक चेयर हो वैसे लेने गया था, लेकिन वैसे मिला नहीं उन्होंने ये. तो अभी ये देखो सोफा सेट तैयार हो चुका है हमारा. तो ये डबल सीट एक साथ आ गई, ये अलग अलग लेने गया था मैं, तो एक सीट इसके साइड में लेफ्ट में और राइट में आ जाती, ऐसे लेने गया था, लेकिन वो बोला कि वो तो ओल्ड फैशन हो गया है, अभी तो यही है, तो फिर ये वाला लेके आया. वो तो लकड़ी वाले में आता है ऐसे. तो आज की हमारी ये सबसे बड़ी खरीदारी हो गई आज, तो ये भी लेके आया और टीन शीट, ऐसे करके आज काफ़ी खर्चा करके आ गया मैं. ये एक वाला सोफ़ा इसको दे दिया है अभी, इसके ऊपर लिखना है पढ़ना है इधर, और ये वाला मेरे और रेखा के लिए है. तो अभी देखो इसने शुरू भी कर दिया कवर लगा के लिखने के लिए, यहाँ कुछ टेबल रख के ये लिख भी सकता है अभी. तो अभी बाकी जो शेड का सामान था वो मैं कल सुबह, कल का वीडियो में आएगा हमारा, आज तो इतना ही है, पूरा दिन निकल गया इतना लाते 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 करके.